क्योंकि यहाँ पे ना 36 करोड़ देवी देवताओं की पूजा की जाती है। माना जाता है कि हम जब नंदी भगवान के कान में बोलते हैं तो हमारी मनोकामना पूरी होती है। इन सबको पूछ रहा हूँ कब से कि अपने मंदिर के बारे में बताओ, थोड़ा बहुत जानकारी तो होगी आप लोगों को। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। हो गई आपके लिए खूबसूरत से ब्लॉग की शुरुआत मेरे मौसी के घर यानी सिवनी गांव से। और कल ही हम यहाँ पे वापस आ गए थे मैं और रवि। मौसा जी अभी तक मार्केट में हैं, परसों हम साथ गए थे तो मौसा जी अभी तक घर नहीं आए हैं। मौसी जी अभी जा रखी है धारे में पानी लाने के लिए और मैं जा रहा हूँ अभी किचन में चाय बनाने के लिए। और अभी सुबह के करीब 9 बजे है तो एक चाय हमने सुबह पी ली थी और आजकल ठंडियाँ बढ़ गई है ना तो 2-3 बार हम चाय पी लेते हैं। एक बार मैं चाय बना लेता हूँ फिर ऊपर छत पे जाता हूँ धूप सेकने के लिए। आज भी मस्ती धूप खिली हुई है। अभी मैंने चाय बना ली है और हम आ गए हैं चाय पीने के लिए छत के ऊपर। धूप पे चाय पीने का अलग ही मज़ा होता है, वो भी सर्दियों में। और जितनी आसान लाइफ हमारी व्लॉग में दिखती है एक्चुअली में उतनी है नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ऑफ कैमरा हमें करना पड़ता है ना। ऑन कैमरा तो सिर्फ हम कम ही दिखाते हैं लेकिन ऑफ कैमरा हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, जैसे कि इस चाय को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगी थी। जैसे कि इस चाय को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगी थी, 4-5 बार मैं बाहर आया जो कि मैंने नहीं दिखाया कैमरे में। और अभी रवि चाय और बिस्किट ये पागल हो गए यहाँ पे। अभी दिन के करीब 12 बज गए हैं और समय आ गया है कि हम दिन का खाना खाएं, क्योंकि सुबह हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा था और अभी तक हमने कुछ नहीं करा, रोड पे गए थे। आज का समय ना व्यतीत नहीं हो रहा था, थोड़ा रोड से हम घूम के आ गए हैं। अभी हमारा दिन का खाना हो गया है और दिन के लगभग 1 बज चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं रवि के गांव के मंदिर के ऊपर। पहले भी मैं गया हूँ और आज विशेष वजह से जाया जा रहा है। कुछ दिनों में रवि के चाचा जी का रिटायरमेंट होना है तो रवि उन्हें मंदिर की फ़ोटो भेंट में देना चाहता है, तो उसके लिए मंदिर के कुछ फ़ोटोग्राफ्स चाहिए तो उसी के लिए हम जा रहे हैं। साथ में आपको भी मंदिर के दर्शन करवाते हैं। और अभी हम मंदिर परिसर में पहुंच गए हैं और सिवनी गांव का ये मंदिर भोलेनाथ जी को समर्पित है। भोलेनाथ की पूजा यहाँ पे की जाती है। सावन के महीने में मंदिर के ऊपर कई तरह के पाठ पूजा की जाती है जो कि गांव के लोगों के द्वारा आयोजित की जाती है, लेकिन अगर बाहर से कोई व्यक्ति यहाँ पे दर्शन करने आता है तो वो भी दर्शन आसानी से कर सकता है। और सावन के महीने में मंदिर में काफ़ी तांता लगा रहता है, क्योंकि मैं भी यहाँ बहुत बार आया हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत मंदिर के बारे में पता है। मैंने पहले भी व्लॉग में कई बार आपको यहाँ के दर्शन कराए हैं, एक बार मैं फिर से करा लेता हूँ। देखा होगा हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा मंदिर हैं, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा हम यहाँ पे करते हैं और हर एक देवी देवता के लिए हमारे मन में एक अलग ही श्रद्धा होती है। इसीलिए हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना 36 करोड़ देवी देवताओं की पूजा की जाती है। माना जाता है, हमारे शास्त्रों में माना जाता है कि 36 करोड़ देवी देवता हैं। हालांकि देवता तो एक ही होता है जिसे हम दिल से मानते हैं, चाहे पूजा शिव की हो, विष्णु की हो, नरसिंह भगवान की हो, चाहे किसी भी की हो, लेकिन हर एक देवी देवता के लिए अलग ही श्रद्धा भक्ति होती है और उनकी पूजा अलग अलग तरीकों से की जाती है। इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि माना जाता है। मैं यहाँ मंदिर के पीछे कुछ कमरे बनाए गए हैं जहाँ पे जब मंदिर के ऊपर पाठ आयोजित होता है तो यहीं पे यहाँ भोग वगैरह बनाया जाता है। कहना चाहोगे आप अपने मंदिर के बारे में? तो मैं इन सबको पूछ रहा हूँ कब से कि अपने मंदिर के बारे में बताओ, थोड़ा बहुत जानकारी तो होगी आप लोगों को। जैसे कि हर एक मंदिर के पीछे हो रहे हैं, आपने हर एक शिव मंदिर में देखा होगा शिव जी के साथ यहाँ पे नंदी की मूर्ति भी स्थापित होती है। और माना जाता है कि हम जब नंदी भगवान के कान में बोलते हैं तो हमारी मनोकामना पूरी होती है। तो चलो जी, हम भी ट्राई करते हैं और जो हम उनसे मांगते हैं, जो हम उनके कान में मनोकामना बोलते हैं, वो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं। और जितने भी शिव मंदिर के दर्शन हमने करे हैं वहाँ हमें नंदी भगवान जी दिखाई देते हैं, तो हम उनके भी दर्शन करते हैं और प्लस में उनके कान में भी बोलते हैं। ये मान्यता मानी जाती है, ये मान्यता है कि उनके कान में बोलने से मनोकामना पूरी होती है। तो हैं जी, हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है कि नहीं, पर हम ट्राई करेंगे। ये हमारी आस्था है, हमारी भक्ति, हमारी साधना है उनके प्रति। थोड़ा बहुत जानकारी मैंने आपको दे दी है मंदिर के बारे में और ये है गौरव चौहान जी। आगे की जानकारी मंदिर के बारे में ये हमें देंगे जो और इसी गाँव के हैं। मेरा सभी साथियों को पहले प्रणाम। मैं पहली बार सनमोल भाई के इस ब्लॉग में आ रहा हूँ आज आप सबके सामने। तो मैं मतलब आज इन्होंने मतलब मुझे गांव में घूम रहा था तो इन्होंने बोला कि भाई जी यार थोड़ा हमारा ब्लॉग बनाने आओ, तो मैं आया
और इन्होंने कहा मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करा दो। तो मैंने बोला चलो चल ही लेता हूँ आज मैं। पहली बात तो श्रृंगेश्वर महादेव जी हमारे जो हैं, हमारे मतलब आराध्य देव हैं हमारे सभी ग्रामवासियों के। नहीं, ये मंदिर जो है, हम दो ग्राम सभा के लोग यहाँ मंदिर में पूजा पाठ जो भी हैं करते, तो और भी हैं, पर जो हैं जो मूल रूप से हैं तो ग्राम सभा सिंगुड़ी और ढुंगी के लोग, हम दो गांव के लोग जो हैं यहाँ पे पूजा पाठ सावन के महीने हम पाठ करते हैं। और यहाँ पे मकर संक्रांति के टाइम पे एक यज्ञ टाइप का बहुत बड़ा, मतलब उस दिन हम पूजा करते हैं यहाँ पे सभी ग्रामवासी मिलके, दोनों ग्राम सभा के लोग। और यह जो मंदिर है, यह श्रृंगेश जी का मंदिर है। यह श्रृंगेश महादेव जो हैं, श्रृंगेश महादेव जी का मंदिर है, और हमारे गांव का जो नाम है सिंगुड़ी, ये इन्हीं के नाम से ही हमारे गांव का नाम भी पड़ा है कि सिंगुड़ी। और श्रृंगेश महादेव के बारे में मुझे जो थोड़ी बहुत जानकारी है कि श्रृंगेश महादेव जी अपने जब एक बार मतलब जब तब मतलब तपस्या में बैठे थे, तो यहाँ पे जो यहाँ से ऊपर हमारे काफ़ी दूर है, हम तो गए नहीं, पर सहयोगी साथी हमारे कई और हमारे पूर्वज जो हैं और हमारे गांव के लोग जाते रहते हैं, नील पर्वत है यहाँ ऊपर। तो जब हमारे यहाँ बारिश नहीं होती है तो हम यहाँ के लोग यात्रा पे जाते हैं, इंद्रगिरि पर्वत पे जाते हैं, वहाँ पूजा पाठ करते हैं, और वहीं पे श्रृंगेश महादेव जी तपस्या में लीन थे, या वहीं पे उन्होंने तपस्या की, जो उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति रिद्धि सिद्धि जो भी की उन्होंने वहीं पे की, इंद्रगिरि पर्वत पे। और श्रृंगेश महादेव के बारे में इतनी जानकारी है कि रामायण में कहीं ना कहीं श्रृंगेश जी का भी वर्णन है। और कहा जाता है कि जब दशरथ महाराज के जब पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ हुआ था, तो श्रृंगेश महादेव जी को यहाँ से ले गए और श्रृंगेश जी के द्वारा ही वह यज्ञ सफल हुआ। उसके बाद श्रृंगेश महादेव जी अपने फिर इंद्रकीलाद्रि पर्वत वापस आए। फिर यहाँ सामने पे हमारे गांव के सामने पे भागीरथी नदी बहती है, और श्रृंगेश महादेव जी इंद्रकीलाद्रि पर्वत से नीचे उतरे और यहाँ पे उन्होंने समाधि ले ली थी। और बढ़िया तरीके से मतलब गांव में, हमारा जो है बहुत बड़ा गांव है, मतलब काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या है गांव की, काफ़ी परिवार हैं, और यहाँ पे डेली सुबह शाम यहाँ पे दिया जलता है, पुजारी जी डेली सुबह शाम आकर यहाँ पे दिया जलाते हैं। और सभी लोग जो भी गांव आते हैं, हमारे बाहर गए हुए लोग, तो जब भी आते हैं तो मंदिर ज़रूर आएंगे। और मंदिर बाबा के मतलब इतना श्रृंगेश जी की सभी गांव वालों पे इतनी कृपा है कि सभी खुश हैं और मानते हैं। अभी गौरव भाई ने भी काफ़ी जानकारी हमें दी और मैंने भी थोड़ा बहुत मंदिर के बारे में आपको बताया है। और मंदिरों के बारे में ना बहुत सारी दंत कथाएँ होती है, अलग अलग तरह से हमें सूचनाएँ मिलती है। तो जो आम जनमानस में जो भी बात होती है वो यही होती है कि मंदिर की स्थापना किस तरह से हुई, तो भाई जी ने हमें बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि देवता अवतरित होते हैं किसी पशुआ पे, उसे पशुआ कहा जाता है। तो अभी मंदिर के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया, आपको पसंद आया होगा। और कर लेते हैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज, दिन के करीब 2 बज गए हैं, 1 घंटा हमने यहाँ श्रृंगेश्वर महादेव के मंदिर के ऊपर बिताया। अब चलते हैं घर की ओर, वीडियो को यहीं पे क्लोज कर लेते हैं। आई होप आपने वीडियो पूरी देखी होगी, आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही मेरे वीडियो को प्यार देते रहना। आजकल आपको प्यार थोड़ा कम सा हो गया है, पता नहीं क्यों, शायद वीडियो में ही कहीं कमी है, लेकिन जब तक आप लोग कमी नहीं बताओगे तब तक मैं उस कमी को कैसे सुधारूंगा। लेकिन आपके लिए डेली व्लॉग आते रहेंगे, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, पुराने वीडियो को भी देखते रहे, खूब सपोर्ट करें मेरा और वीडियो को शेयर करते रहे। मैं तो आपसे एक नए वीडियो में नई लोकेशन नई बातों के साथ, तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, पुरानी वीडियो का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और भगवान भोलेनाथ की कृपा मेरे साथ भी बने रही, साथ में आपके साथ भी बनी रही, आपके जीवन में अपार खुशियाँ आए। तो कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि हम मंदिर से ही वीडियो स्टार्ट करते हैं, मंदिर से ही क्लोज करते हैं, तो जब ये मौका मिलता है तो उसे गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम आते हैं देवभूमि उत्तराखंड से।